नमस्कार। विभाग विरोध में आज आपका फिर स्वागत है। मैं एसएन विरोध आज फिर रूबरू हूँ आपके सामने आज के सर्वाधिक चर्चित मुद्दे पर अपने विचार आपके साथ साझा कर। या आप सभी परिचित हैं, इन दिनों पूरे देश में बल्कि विदेश के कुछ हिस्सों में भी विदेशी मीडिया ने भारत में राहुल गांधी को लेकर चल रहे तकरार पर, विवाद पर एक बहस छिड़ी। राहुल गांधी को देश विरोधी बताते हुए सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी देश से माफी मांगने की बात कर रही है, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के बचाव करते हुए दो टूक शब्दों में कहा जा रहा है कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर माफी मांगनी ही है, अब देखिए जब बात बढ़ती है तो कहां तक जाती है। अब कांग्रेस की ओर से कहकर अगर किसी को माफी मांगनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे, उन्होंने विदेशी धरती पर जाके भारत को अपमानित करने का काम किया। और कई उदाहरण सिलसिलेवार कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया गया, जब विभिन्न अवसरों पर उन्होंने विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ कथित रूप से बयानबाजी की। और यहां तक कहने का आरोप है कि एक समय था जब भारत के लोग ये कहा करते थे कि कौन सा पाप किया है कि भारत में जन्मे, यह प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसीलिए कई अवसरों पर विभिन्न स्तर पर ऐसी चर्चा होती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच वार प्रतिवार होते रहते हैं, अवश्य हो, लोकतंत्र है, यहां यह सिलसिला चलेगा, रुक नहीं सकता है और यह खुशबू भी है। लेकिन इस प्रक्रिया में हर पक्ष को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, यह आवश्यकता कई बार बताई गई है। जब आप बोलते हैं कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिसे लेकर आप स्वयं तो कटघरे में खड़े होते ही हैं, स्वयं भारत देश को कटघरे में खड़े करते। इसलिए ऐसे बार बार कहा गया है कि आप राजनीतिक प्रतियोगिता बस एक दूसरे पर चोट करें, लेकिन कुछ ऐसा न करें जिससे भारत अर्थात देश हित कटघरे में खड़ा हो, देश की छवि विद्रूप होती हो। इस मामले में भी हुआ, राहुल गांधी ने विदेश में कुछ बातें कही, अब यह ऐसा तूल पकड़ा है, सब पकड़ा गया लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, सत्ता पक्ष ने, कि राहुल गांधी माफी मांगे। नतीजा यह हुआ कि पिछला पूरा सप्ताह संसद का दूसरा चरण जो पिछले सोमवार से शुरू हुआ, कल शुक्रवार खत्म हुआ, एक मिनट के लिए कोई कार्यवाही नहीं चल सकी। पूरा सप्ताह जो है उस हंगामे की भेंट चढ़ गया। जनतंत्र का पवित्र मंदिर हमारा संसद, वहां पर हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता की बातों को, देश की बातों को, समाज की बातों को रखते हैं, चर्चा होती है, संसद में कानून बनते हैं, सरकार की नीतियां सामने आती हैं। उस पवित्र मंदिर में जिस प्रकार का हंगामा होता है, जो दृश्य पैदा किए जाते हैं, उससे भारतीय लोकतंत्र का सिर शर्म से झुक जाता है। हम आहत होते हैं, हमारा लोकतंत्र आहत होता है कि क्या ऐसे ही दृश्यों के लिए हमने संसद का मंच तैयार किया। क्या हो रहा है वहां पर, क्या मंचित किया जा रहा है? अगर सपाट शब्दों में कहा जाए तो घोर अवांछित शब्दों की सहारा लेकर, बल्कि उससे आगे बढ़कर कुर्सी टेबल माइक का सहारा लेकर, हाथों का सहारा लेकर कुछ ऐसे दृश्य खड़े किए जा रहे हैं जो किसी भी दृष्टि से हमारी महान भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अंग नहीं हो सकता। हम अपने आप को कटघरे में, विश्व समुदाय में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
जहां हम एक ओर अपने सफल लोकतंत्र की चर्चा गौरव के साथ करते हैं, अभिमान के साथ करते हैं, वहीं प्रमाण स्वरूप जब ऐसे दृश्यों को प्रस्तुत करते हैं तो पूरे संसार में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। राहुल गांधी के शब्दों को लेकर जो हंगामा खड़ा हुआ है, और ये बात भूल गए, जब बात बढ़ती है तो बढ़ती चली गई। अब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया गया। देखिए बात कहां जाती है, उसी से जुड़ा हुआ है कि जब आप बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, शब्दों के मर्यादा का उल्लंघन कैसे करते हैं और उसके दुष्परिणाम किस रूप में सामने आते हैं, उसका एक उदाहरण है। पिछले दिनों संसद में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए टिप्पणी कर दी थी कि वर्तमान पीढ़ी के ये लोग नेहरू उपनाम रखने से शर्माते क्यों हैं। इसे लेकर ही अवमानना बल्कि विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस भेजा गया प्रधानमंत्री के खिलाफ। बहुत अस्पष्ट बात है, कहा गया, पूछा गया, बताया गया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को यह पता नहीं कि बेटी का उपनाम पुत्र को उसके परिवार को नहीं दिया जाता है। इस मामले में भी इंदिरा गांधी के परिवार चला रहे हैं, उन्हें नेहरू को नहीं मिला, नेहरू का नहीं। अब यह कटाक्ष करके जहां स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को हास्यास्पद बना लिया, वहीं अब विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस भेजा गया, यह ठीक है, यह अभी संदिग्ध है कि इस पर लोकसभा अध्यक्ष क्या कार्रवाई करते हैं, इसकी अनुमति देंगे या नहीं देंगे, यह संदिग्ध है। संभवतः इसकी अनुमति नहीं मिलेगा, इस नोटिस को खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन चर्चा तो हो गई पूरे विश्व स्तर पर, प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि उन्हें स्वयं अपनी भारतीय संस्कृति, उसकी धरोहर, उसकी विरासत की जानकारी नहीं है। इसीलिए वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, और विशेषकर जब शीर्ष नेता की ओर से कोई बयान आते हैं, कोई वक्तव्य आते हैं, तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि समाज, देश, विदेश के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में उनके शब्दों का संज्ञान लिया जाता है। वे एक रोल मॉडल होते हैं, पूरे देश के लिए आदर्श होते हैं, इसलिए उन्हें बोलने के पूर्व शब्दों को नाप तौल लेना चाहिए। लेकिन ऐसा आजकल, क्षमा करेंगे इन शब्दों के इस्तेमाल के लिए, कि आज की राजनीति का स्तर कुछ ऐसा नीचे गिर गया है जहां आप सुचिता की चर्चा तो कर ही नहीं सकते। अब तो लोग अपेक्षा भी नहीं करते हैं कोई अच्छी बातें पक्ष या विपक्ष की नेताओं के मुंह से निकलेंगे। संसद भवन अंदर दंगल अखाड़ा बना डाला गया है। जैसे मैंने कहा कि अब सिर्फ शब्दों के माध्यम से प्रहार नहीं होते हैं, अब तो बाहुबल का प्रयोग होता है। हम कहां जा रहे हैं, हम अपने लोकतंत्र को कहां ले जा रहे हैं। राहुल गांधी से माफी मांगने के सिलसिले में कहा जाता है कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया, हालांकि यह विवादास्पद है, जो उनके शब्द आ रहे हैं उसे अपने अपने ढंग से परिभाषित किया जा रहा है। विपक्ष प्रहार के लिए अपने ढंग से कर रहा है, पक्ष बचाव के लिए अपने ढंग से उनका उपयोग कर रहा है, यह हास्यास्पद है। जहां प्रहार सिर्फ राहुल गांधी के शब्दों को लेकर होना चाहिए, वहां अब स्वयं
सत्ता पक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया जाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ पुराने वक्तव्यों को लेकर, उनके पुराने शब्दों को लेकर, यह राजनीति के गिरते हुए स्तर के दुष्परिणाम है। इस पर पहले कई बार चेतावनी दी जा चुकी है कि हम कुछ ऐसा न करें, ऐसी परंपरा की शुरुआत न करें जिससे आने वाले दिनों में हर पक्ष कटघरे में खड़ा नजर आएगा, जो आज हो रहा है। राहुल गांधी के शब्दों में क्षमा करेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखता जिससे उन्होंने भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लंदन में एक कुछ जवाब दिए, हो सकता है कुछ लोग उसमें आपत्तिजनक लगे, उसकी चर्चा हो सकती थी, लेकिन जिस रूप में इसे मुद्दा बनाकर एक राष्ट्रीय विवाद का स्वरूप किया गया और संसद को ठप किया जा रहा है, वह अनुचित है। एक विडंबना के रूप में इसी प्रसंग में एक बात सामने आई कि स्वयं सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, उसने अब एक अभियान के तहत, एक रणनीति के तहत इंदिरा गांधी की उस शब्दों को जो उन्होंने विदेश में बोले थे भारत को लेकर, जनता के बीच में जाना चाह रही है। अपने पक्ष में ध्यान रखिए, घटना यह थी कि जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी गिरफ्तार हुई थी, जेल भेजी गई थी, उसके रिहा होने के बाद वो इंग्लैंड गई थी। वहां पर पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आपको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, तो देश की अभी वर्तमान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, आप क्या कहना चाहें, क्या समझ सकते हैं। यह इंदिरा गांधी से वहां सवाल पूछा, कब, जब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी और छूटने के बाद वो लंदन गई थी। लेकिन तब इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था उन विदेशी पत्रकारों को विदेश की धरती पर कि यह हमारे देश का आंतरिक मामला है, इसे हम अपने देश में सुलझाएंगे, वहां बात करेंगे, विदेश की धरती पर नहीं। यह इंदिरा गांधी का जवाब था। अब भारतीय जनता पार्टी राहुल पर प्रहार करते हुए यह कह रही है कि राहुल गांधी ने अपनी दादी से कुछ नहीं सीखा, अगर उनसे सीखे होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। ठीक है, लेकिन संदेह का लाभ देते हुए, अपनी विद्वता का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को एक बयान देकर उनकी आलोचना करते हुए राहुल गांधी के मामले को विराम दे देना चाहिए था। जिस प्रकार का तूल दिया है, अब उसके, जैसे मैंने कहा कि अब जब बातें निकलती है तो दूर तलक जाती है, आज स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या इसकी कल्पना कभी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने की थी? नहीं की होगी। लेकिन अभी भी विलंब नहीं हुआ है, यह शुरुआत है। अनेक ऐसे प्रसंग सामने आ जाएंगे जब दोनों पक्ष को पछतावा होगा कि आखिर उन्होंने इस मामले को इस रूप में तूल क्यों दिया। अगर जब यह बात उठ गई है, चर्चा हो रही है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, सिर्फ राहुल गांधी को लेकर उठ रहे तकरार की चर्चा हो रही है, तो पुनः आग्रह है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से भी, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से भी और अन्य विपक्षी दलों से भी, बल्कि राजनीति से जुड़े राजनीति संगठनों से भी कि कृपया आप आपसी प्रतिद्वंदिता में, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, ऐसे कोई हरकत न करें जिससे हमारा लोकतंत्र लांछित हो, हमारा देश लांछित हो, जो इस मामले में हो रहा है। आप एक दूसरे को कटघरे में खड़े कीजिए, उनकी नीतियों को लेकर कीजिए, उनके कार्यक्रमों को लेकर कीजिए, उनके द्वारा संपादित कामों को लेकर के उन्हें कटघरे में खड़ा कीजिए, न कि एक अज्ञानी की तरह किसी शब्द को पकड़कर आप एक विशाल भारत के बुद्धिजीवी वर्ग को चुनौती देने लगे।
आज आप घूम जाइए, आप सर्वे सर्वेक्षण करवा लीजिए। बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग मलगुन का बहुमत इस पूरे घटना विकास क्रम से दुखी है, वह आश्चर्य कर रहा है कि अच्छे विचारों को अच्छी समझ के नेताओं से युक्त भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। यहां पर उस आरोप के विपक्ष के उस आरोप की पुष्टि होती है कि स्वयं सत्ता पक्ष संसद को नहीं चलने देना चाहता। उन्हें भय है कि जो आरोप प्रधानमंत्री पर उद्योगपति अडानी को लेकर लगाए जा रहे हैं उसकी चर्चा वहां होगी तो उन्हें कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, और यही कारण है कि वे नहीं चाहते कि संसद चले। और जिस प्रकार से पूरा सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया उससे तो यही होता है, और जो नए नए प्रकरण सामने आ रहे हैं कि विपक्ष के इस आरोप में कुछ दम तो है। इसलिए मैं कह रहा हूं विशेषकर यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष तथा सरकार की होती है, पीठासीन अधिकारी उसके अंग होते हैं। इस मामले में भी नहीं हुआ। आज आपने एक मामले को पकड़कर राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे का रट लगाकर आपने पूरे संसद को ठप कर रखा हुआ है। देश की लोकतंत्र प्रेमी जनता सब कुछ देख समझ रही है। 2024 का आम चुनाव निकट है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस बात को भी ध्यान में रखें, कुछ ऐसे मुद्दे विपक्ष को न दे दें जिसे लेकर वे 2024 के लिए जनता के बीच में जाए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आरोप लग रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए ही संसद की कार्रवाई ठप की जा रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, और इस आरोप के खरीदारों की कमी भी नहीं है। लोग यह मान रहे हैं कि हां ऐसा हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों जब संसद के अंदर राहुल गांधी ने अनेक आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए, अडानी को लेकर सिलसिलेवार आरोप लगाए थे, बताए थे कि कहां कैसे कब नियम कानूनों की अवहेलना कर उनमें परिवर्तन कर अडानी को लाभ पहुंचाया गया सीधे सीधे प्रधानमंत्री के स्तर से। और तब जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने किसी भी आरोप का जवाब नहीं दिया था, यह अपने आप इतिहास में दर्ज। तो इसे तो एक स्वीकृति का सूचक माना गया था। अगर मुझ पर कोई आरोप लगते हैं और मैं मौन रह जाता हूं तो संदेश यही जाता है कि वे आरोप सच्चे हैं। इस मामले में भी यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां अच्छे विचारकों समझदारों की कमी नहीं है, बड़ी लंबी पंक्ति है, वे राजनीतिक विद्वेष की भावना का त्याग कर तथ्यों के आधार पर और इस बात की जिम्मेदारी समझते हुए कि वे सत्ता में हैं, उन्हें एक आदर्श प्रस्तुत करना है पूरे समाज में पूरे देश में जिसका अनुकरण किया जा सके, कुछ ऐसा कदम न उठाए जिससे कि हमारे समाज में हमारे लोकतंत्र की किरकिरी हो। जैसे मैंने कहा, दोहरा रहा हूं, आप सर्वेक्षण करा लीजिए, आज समाज का बड़ा वर्ग इस विवाद को लेकर आहत है, वह इसे लोकतंत्र पर चोट मान रहा है, हमारी छवि विश्व स्तर पर विद्रूप हो रही है। हमने इसके लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, इतनी कुर्बानियों के बाद हमने जिस लोकतांत्रिक भारत को प्राप्त किया है आज वह आहत है, तो सिर्फ इसलिए कि हमारे राजनीतिक दल जिसमें सभी शामिल हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों, अपने कर्तव्य अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने सिर्फ और सिर्फ
राजनीतिक तुच्छता है, उसकी पूर्ति के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे हमारे देश की छवि किसी भी हालत में विद्रूप होती है तो होती रहे। इसलिए आग्रह है कि राहुल गांधी प्रकरण पर अब पूर्ण विराम लगाया जाए। एक बड़ी अच्छी बात हमारे देश के गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही कि हर समस्या का समाधान हो सकता है, संभव है, अगर दोनों पक्ष बैठ करके स्पीकर के सामने समस्या पर चर्चा करें और समाधान निकले। ये एक बड़ी अच्छी बात हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। इससे सूत्र पकड़ते हुए भी स्वयं सत्ता पक्ष के लोग पहल करें, आमंत्रित करें विपक्ष को, स्पीकर आमंत्रित करें, सामने बैठाए पक्ष विपक्ष दोनों को, और यह सुनिश्चित करें कि संसद की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चल सके। इसमें चर्चा आती है प्रतिदिन करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी की। एक दिन में करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं संसद की अगर कार्यवाही नहीं चलती है, ये सब चर्चा होती है। इन सब बातों पर चर्चा करें, क्योंकि मैंने जैसा कि जनता सब देख समझ रही है, वह मूर्ख नहीं है, उसके पास जब ऐसे प्रमाण आते हैं तब उन्हें अपने निर्वाचन पदार्थ जिन प्रतिनिधियों को उन्होंने निर्वाचित किया है उस पर जनता को अफसोस होने लगता है। और जब ऐसी स्थिति पैदा होगी या अवधारणा मजबूत होगी तो फिर आने वाले दिनों में निर्वाचन परिणाम क्या होंगे इसकी कल्पना सहज है। इस पर गंभीरता के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों चिंतन मनन करें और तब अपने भविष्य के कार्यक्रम निर्धारित कर उस पर कदम डाल करें, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि उनके किसी कदम से, किसी नीति से, किसी कार्यक्रम से लोकतंत्र आहत नहीं होगा। धन्यवाद।